बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप तमाम अहबाब को अपने यूट्यूब चैनल ज़ेन न्यूज़ पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आपको इस वक्त बड़ी खबर से आगाह करते चले कि कराची के अंदर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसके बाद तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर अलामा साद हुसैन रिज़वी भी अफसरदा हो गए। नाज़रीन इकराम, तफसील में जाने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नाज़रीन इकराम, आपको बड़ी खबर से आगाह करते चलें कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के इंतहाई सरगर्म कारकुन और अमीरुल मुजाहिदीन अलामा खादिम हुसैन रिज़वी के शागिर्द खास असीर नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अलामा मौलाना सैयद साले मोहम्मद शाह साहब को आज कराची में दहशतगर्दों ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। नाज़रीन इकराम, आपको बताते चलें कि ये कराची में एक मदरसा में उस्ताद मुकर्रर हुए थे। अपना दर्स निज़ामी मुकम्मल करने के बाद, जबकि साहबजादा वाला शान हाफिज अनस हुसैन रिज़वी के क्लास फेलो भी रहे हैं और अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ दो माह असीरे में भी गुजारे। इनको इन्हीं के मदरसे के बाहर अजान फजर के बाद नमाज से पहले शहीद कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि ऐसे वक्त में जब तहरीक लबैक पाकिस्तान कराची डिवीजन के रहनुमाओं और कारकुनान की अक्सरियत अंदरून सिंध में सैलाब मुतासरीन की मदद में मसरूफ है, ऐसे में इस अफसोसनाक वाक्य के बाद तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान और जिम्मेदारान में इस वाक्यों को लेकर शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। हाज़रीन इकराम, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर इन दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके सामने लाया जाए और सख्त तरीन सजा दी जाए। नाज़रीन इकराम, अगर आपका भी यही मुतालबा है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर फरमाएं।